कनीस फातिमा साहिबा, ये जीएसए पीटीआई स्कर्दू विंग के और अडम हवा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी है, फाउंडर भी है, कर लेते हैं जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से आप सबको ये इवेंट के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस डे को हमें बहुत अच्छे मानों में मनाना चाहिए। और इस डे के हवाले से हमने कुछ चार्टर ऑफ डिमांड स्पीकर साहब के को पेश किए हैं। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है वो इन पे भरपूर हमें रिस्पॉन्स देंगे, जिनमें से एक दारुल अमान, वुमेन स्पोर्ट्स क्लब और जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए डे केयर का इंतज़ाम है। इंशाल्लाह इसको हम फॉलो भी करते रहेंगे और जब तक ये हो नहीं जाता हम खामोश नहीं रहेंगे। और दूसरी बात कि ये हमारी एक बहुत छोटी सी काविश थी कि हम इस दिन को एक नए अंदाज में सेलिब्रेट करें। इसमें हमने उन ख्वातीन को चुना है जो अपने घर में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उस माशरे के लिए कहीं ना कहीं मुसबित किरदार अदा कर रही हैं और जिनको इतनी पजीराई नहीं मिली। ऑलरेडी हमारी ख्वातीन हैं जिनको कई प्लेटफॉर्म पर मौका मिला है, लेकिन कुछ ऐसी ख्वातीन जैसे हवा मार्केट जब से स्टार्ट है तब से एक शॉप लगा के बैठी हैं, तो उनको किसी ने रिकग्निशन नहीं थी। हमारा असल मकसद जैसे आप ऊपर देख रहे हैं अनसंग शीरोज फ्रॉम द माउंटेंस, यानी जिनको वो पजीराई नहीं मिली, तो ये आदम व हवा फाउंडेशन की एक पहली काविश थी। इंशाल्लाह हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हमारे साथ हमारी टीम थी, बल्टिस्तान की पहली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शाहिदा, पहली इंजीनियर एक्स इंजीनियर डॉक्टर शबाना बाजी, और इसके अलावा हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी जिनकी मेहनत से आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और पॉसिबल हुआ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।